हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आज फिर से चैप्टर नंबर 5 की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लास्ट मैंने प्रोग्राम बताया था 10th पेज नंबर 169 में, 10th नंबर तक के प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किए थे। आज एक्सप्लेन करता हूँ 11। ठीक है, 11 नंबर का प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। कोड आपकी बुक में लिखा हुआ है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट उसका लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। पेज नंबर 169 में प्रोग्राम नंबर 11, ओके, प्रोग्राम नंबर 11, कोड आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं जस्ट उसका लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, कैसे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, फिबोनैसी सीरीज क्या होती है। ठीक है, फिबोनैसी सीरीज क्या होती है। सपोज आपकी प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है, राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट फिबोनैसी सीरीज फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, 20 एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। मैं अभी आपको सिक्स एलिमेंट या फिफ्थ एलिमेंट तक का प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज अब अच्छा जो आपका कोड है, ठीक है, उस कोड में मैं फिफ्थ एलिमेंट तक का आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ फिबोनाकी सीरीज क्या होती है। सपोज अच्छा ठीक है, सबसे पहले ये आपने एंटर किया फिफ्थ। ठीक है, तो फिबोनाकी सीरीज होती क्या है, इसमें क्या होता है, नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 0 1। ठीक है, जीरो के बाद क्या आता है, 1। तो 0 1 को ऐड करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, 0 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा, आंसर 1। ठीक, तो जो फिबोनाकी सीरीज होती है वो टू नंबर्स का एडिशन होता है, टू नंबर्स का सम होता है। ठीक है, प्रीवियस टू नंबर्स का। ठीक, तो ये 1 और 2 ऐड हुआ तो क्या हुआ, 1। अब 1 और 1 ऐड होगा तो क्या होगा, 2। अब 1 और 2 ऐड होगा तो क्या होगा, 3। 3 और 2 ऐड होगा तो क्या होगा, 5। 5 और 3 ऐड होगा तो क्या होगा, 8। 8 और 5 ऐड होगा तो क्या होगा, 13। ऐसे ही कंटिन्यूस बढ़ते चले जाते हैं, इसको बोलते हैं फिबोनैसी सीरीज। ठीक है, कई लोग उसको फिबोनाकी सीरीज भी बोलते हैं, तो फिबोनैसी सीरीज भी बोलते हैं। ठीक, अब मैंने क्या इनपुट किया, फिफ्थ एलिमेंट तक का ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट मतलब 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यहाँ तक का ये प्रिंट होना चाहिए, तो 5 और 3 का एडिशन क्या होगा, 8, मतलब यहाँ तक का वो प्रिंट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए। बट ये ऐसा मान के चलो, फिफ्थ एलिमेंट बोलने से मतलब ये जो लास्ट फिफ्थ नंबर है वहाँ तक का वो प्रिंट होगा। तो 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8 होगा। तो आपका जो कोड लिखा हुआ है 20 एलिमेंट्स तक का प्रिंट करना है, तो ये जब इनपुट करोगे उसके बेस पर है। ठीक है, ठीक, अब समझते हैं इस कोड को। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है, ये क्लियर हो गया ना फिबोनाकी सीरीज क्या होता है। ठीक, प्रीवियस टू नंबर्स वो ऐड होते जाते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब उस कहाँ तक, किस रेंज तक जाएंगे वो हम कोड से डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट जो वेरिएबल है, फर्स्ट इक्वल टू 0, एक वेरिएबल हमने ले लिया फर्स्ट इक्वल टू 0। ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सेकंड, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 1। क्लियर, अब जो मैंने क्या किया, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ कोड, ठीक है, इधर कोड का एग्जीक्यूशन देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 0 और 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का कोड है आपने, ये सेकंड लाइन का कोड है। ठीक है, थर्ड लाइन में क्या है, प्रिंट करने का लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रिंट फर्स्ट, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट होगा, 0। ठीक है, फिर प्रिंट क्या होगा, सेकंड मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, अब जो एक्चुअल कोड होगा, जो लॉजिक है, यहाँ से स्टार्ट होता है लूप से। ठीक है, ये फोर्थ लाइन था, अब फिफ्थ लाइन में आते हैं। फॉर, एक वेरिएबल ले लिया लूप के लिए, अब उसमें रेंज फंक्शन क्या है, रेंज फंक्शन डिसाइड करेगा कि हमें किस एलिमेंट तक का प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 6। ठीक है, ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ वो फिफ्थ पोजिशन तक का ही वो ऐड करके दिखाए, फिफ्थ एलिमेंट तक के ही वो सीरीज चले। ठीक है, तो मैंने 6 इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है 6 - 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, समझना इसको। अब ये जो लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड इक्वल टू, थर्ड में असाइन हुआ है फर्स्ट प्लस सेकेंड, फिर उसके बाद प्रिंट थर्ड, THIRD, थर्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट में, फिर जो कोड लिखा हुआ है ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉमा सेकेंड
इक्वल टू सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा थर्ड। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, कोलोन के बाद ना देखो ये सारे तीनों एक ही अलाइन में है, अलाइनमेंट सेम है, ठीक है। हाँ तो ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होगी एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे समझना 1 to 6, ठीक है। हाँ मैडम बोलो। हाँ किस में? हाँ इलेवंथ में होगा, 9th में नहीं है, 10th में नहीं है, सिर्फ ओनली 11th में। ठीक है ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये हो गया कोड, अब समझते हैं इसको, ठीक। इसमें फर्स्ट की वैल्यू क्या है? 0, सेकंड की क्या है? 1, ठीक। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को प्रिंट कर दिया, 0 और 1, क्लियर है। अब मेन लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 to 6, आपको पता है 6 - 1, 1 to क्या हो जाएगा? 5, मतलब जो हमारी जो लिस्ट जो बनेगी कौन सी बनेगी, इस लाइन को मैं फिर से लिखता हूँ कैसे वर्क करेगा, ठीक है। फॉर ए इन, ठीक है, 1 to 5th, मतलब जो लिस्ट बनेगी कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5, ये लिस्ट बनेगी, है ना। मैंने इस लाइन का मतलब लिखा है, ये जो मतलब है रेंज 1 to 6 लिखा है, जिसका मतलब वो 1 से 5th तक की लिस्ट बनाएगा, ठीक। अब ए में क्या आएगा सबसे पहले बताओ, 1, ठीक है। चेक करेगा क्या 1 एग्जिस्ट करता है इस लिस्ट में, ठीक। अब जब एग्जिस्ट करता है मतलब कंडीशन ट्रू, तो क्या होगा यहाँ आएगा। अब थर्ड में क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, 0 + 1 कितना होगा, 1, ठीक है। तो थर्ड में क्या आ गया, 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, प्रिंट थर्ड, मतलब आउटपुट को मैं यहाँ लिखता हूँ, 0 1 पहले से प्रिंट था, क्लियर है ना, 0 1 को मैं पहले ही प्रिंट कर चुका था, ठीक है। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो 0 और 1 को मैंने ऐड किया, थर्ड में क्या आया, 1, फिर से मैं 1 को प्रिंट करूँगा, प्रिंट हुआ, ठीक। अब लॉजिक देखना, फिर उसके बाद ये जो लाइन है इसका मतलब, इसका मतलब ये है फर्स्ट और सेकंड जो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी वैल्यू आएगी, सेकंड की वैल्यू किस में आ जाएगी, फर्स्ट में, और थर्ड की वैल्यू किस में आ जाएगी, सेकंड में। अब बताओ सेकंड की वैल्यू क्या है इस समय, 1 है, तो फर्स्ट में क्या आ गया, 1, और थर्ड की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सेकंड में क्या आ गया, 1, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक। अब इस ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद कोड फिर से लूप में चला जाएगा, ठीक। अब क्या आ जाएगा, 2 किस में आएगा, ए में, ठीक है। चेक करेगा क्या 2 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ, कंडीशन ट्रू, फिर से ये नीचे आएगा, ठीक। अब देखना फर्स्ट की वैल्यू क्या है और सेकंड की वैल्यू क्या है, 1 और 1 है, ठीक है, ये दोनों ऐड हुआ, थर्ड में क्या आ जाएगा, 2, अब वो फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिंट करना है, तो ये देखो 2 प्रिंट हो गया, क्लियर। अब फिर से अब देखना थर्ड की वैल्यू क्या है इस समय, 2, सेकंड की वैल्यू क्या है, 1 ही है, ठीक है, 1 ही है सेकंड की वैल्यू, उसमें कुछ ही नहीं। अब सेकंड की वैल्यू 1 किस में आ जाएगी, इसमें, और जो थर्ड की वैल्यू किस में है, सेकंड में आ जाएगी, ठीक है, 1 और 2। अब फिर से ये कोड चलेगा, अब क्या आ जाएगा, 3 आएगा, ये जो 3 है इसमें जाएगा, ठीक है, ए में, ठीक है, 3 आ गया, 3 एग्जिस्ट करता है मतलब कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू क्या है, 1, सेकंड की वैल्यू क्या है, 2, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा थर्ड में, 3, ठीक है। तो अब ये क्या, अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंट करना है थर्ड को, ये देखो 3 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब फिर से अब थर्ड की वैल्यू क्या हो गई, 3, तो ये देखो ये जो 3 है वो किस में असाइन हो जाएगा, सेकंड में, और सेकंड की वैल्यू भी 1 ही है, ठीक है, तो वो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखना फिर से ये लूप चलेगा, अब 4 असाइन होगा, ये चेक करेगा क्या 4 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है क्या, है, ठीक है, फिर कंडीशन ट्रू। अब थर्ड में क्या आएगा, फर्स्ट की वैल्यू 1 ही है और सेकंड की वैल्यू चेंज हो चुकी है 3, ठीक है, तो 1 + 3 क्या होगा, 4। अब फिर से प्रिंट करना है, तो ये देखो नहीं, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, या हाँ 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 ठीक है, हाँ देखो लास्ट सेकंड की जो वैल्यू थी वो 2 थी, ध्यान, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 होगा और सेकंड की लास्ट वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये लूप चलेगा तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, क्लियर है,
ठीक है। तो क्या करना है, 5 को प्रिंट करना है, ठीक। अब फिर से चेक करेगा क्या 5 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने स्किप नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर जी ये देखो, ये 5 प्रिंट हुआ है यहाँ पर, एक बार फिर से देख लो, ये लाइन जो एग्जीक्यूट हुई 5 प्रिंट हुआ, ठीक है, मतलब थर्ड की वैल्यू प्रिंट हुई। अब देखना थर्ड की वैल्यू क्या है इस समय, करंट वैल्यू क्या है 5 है, और सेकंड की वैल्यू क्या है, सेकंड की वैल्यू 2 और 3 थी, ठीक है। सेकंड की वैल्यू क्या थी 3, तो अब ये जो 3 है किस में आ जाएगा, फर्स्ट में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, थर्ड की वैल्यू 5 है तो इसमें 5 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, फिर से लूप चलेगा, अब क्या चेक करेगा 5 क्या लिस्ट में एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ है, ठीक। अब क्या आएगा, फर्स्ट की वैल्यू क्या है 3 और थर्ड की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू क्या है 5, तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 को प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब कोई लिस्ट में, मतलब ये रेंज फंक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, ठीक। तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये लॉजिक है फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का, क्लियर है कि एक बार फिर से बताऊं, ठीक है, रिवाइज करूं, ठीक है। चलो फिर से करते हैं एक बार, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट होता है लूप किसी भी प्रोग्रामिंग का, बहुत दिक्कत होती है नहीं तो। चलो फर्स्ट की वैल्यू क्या है 0, सेकंड की वैल्यू क्या है 1, ठीक। दोनों को प्रिंट करने का काम, ये देखो 0 1 प्रिंट हो गया, क्लियर। अब एक लूप चलाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे लूप चलाया है, रेंज मैंने दी है 1 to 6, 1 to 6 का मतलब आपको पता है 6 में 1 माइनस होगा तो 1 to 5 हो जाएगा। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, ये मैंने यहाँ लिखा है फॉर ए इन, ये लिस्ट जनरेट होगी 1 to 5 से, ठीक। अब ए में इनिशियल वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। अब वो चेक करेगा क्या 1 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ, कंडीशन ट्रू, तो अब नीचे आएगा, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक। फर्स्ट में 0 है, सेकंड में क्या है 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 होता है, ठीक है। तो ये अब अच्छा, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट करना थर्ड को, तो ये प्रिंट हुआ अपना 1, ठीक है। अब सेकंड की वैल्यू क्या है 1 है, और अच्छा सेकंड की वैल्यू क्या है 1 है, और थर्ड की वैल्यू अभी भी 1 हुई है, ठीक है। तो ये 1 और 1 इसमें असाइन होंगे, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और सेकंड की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्लियर, ठीक। अब ये लूप फिर से चलेगा, चेक करेगा क्या 2 एग्जिस्ट करता है इस लिस्ट में, हाँ, कंडीशन ट्रू है। फिर से इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट की वैल्यू क्या है 1, और सेकंड की वैल्यू भी क्या है 1, 1 और 1 दोनों क्या हो, क्या हो जाएंगे 2, क्लियर। नेक्स्ट लाइन का कोड है 2 को प्रिंट करना है, तो अब ये 2 को प्रिंट करेगा, ठीक, ठीक है। अब थर्ड की वैल्यू क्या है इस समय 2 है, ठीक है। सेकंड की वैल्यू क्या है बताओ, सेकंड की लास्ट वैल्यू 1 थी तो 1 ही है, ठीक है। तो अब ये सेकंड की वैल्यू किस में आ जाएगी, फर्स्ट में आ जाएगी, 1 ही होगा, और ये थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड में असाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला लूप थर्ड के लिए, ये चेक करेगा क्या 3 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखो फर्स्ट की वैल्यू 1 है, सेकंड की वैल्यू 2 है, तो ये 1 है और सेकंड की वैल्यू क्या है 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक। अब 3 को प्रिंट करेगा, ये देखो 3 प्रिंट किया, ठीक। अब फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, थर्ड की वैल्यू क्या है 3, और सेकंड की वैल्यू क्या थी लास्ट 2 थी, तो ये सेकंड की वैल्यू जो अभी 2 है वो किस में असाइन होगी, फर्स्ट में, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और जो थर्ड में 3 है वो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन हमने फोर्थ चैप्टर में देखी थी, ठीक है, इस टाइप से असाइनमेंट, ठीक। तो अब फर्स्ट की वैल्यू 2 और 3 होगी, अब किसकी बारी है, फोर्थ की, चेक करेगा क्या 4 इस लिस्ट में है, हाँ है, ठीक है। फिर से क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू बताओ 2 है और सेकंड की 3 है, तो फर्स्ट की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, ठीक। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, प्रिंट करना है, अभी तक 5 प्रिंट होगा, ठीक। अब लास्ट एलिमेंट, अच्छा अभी ये कोड बाकी है वाला लाइन, ठीक। अभी थर्ड की वैल्यू क्या है 5, चेंज हो गया ना, ठीक है। सेकंड की वैल्यू बताओ, यहाँ से ले लो, थर्ड है, सेकंड की वैल्यू 3, ठीक है, सेकंड की वैल्यू क्या है 3। अब ये असाइन होगा, सेकंड किस में असाइन होगा, फर्स्ट वाले में, ये हो जाएगा 3, और थर्ड किस में असाइन होगा, सेकंड में,
ठीक। अब ये कोड लास्ट के लिए चलेगा क्योंकि फाइव चेक करेगा क्या फाइव एग्जिस्ट है क्या लूप में लिस्ट में, हाँ है कंडीशन ट्रू। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है टू, और सॉरी यहाँ पर हाँ चेंज हो गई ना, फर्स्ट की वैल्यू क्या हो गई है थ्री और सेकंड की वैल्यू क्या हो गई है फाइव। फाइव प्लस थ्री क्या हो जाएगा एट। अब एट को यहाँ पे प्रिंट कर देगा ठीक, और फिर एक्सचेंज होगा यहाँ पर एक्सचेंज, ये वाला कोड है ना, थर्ड की वैल्यू हो गई है एट और सेकंड की वैल्यू क्या है फाइव। तो सेकंड इसमें आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा फाइव और सेकंड में आ जाएगा एट ठीक है। बट यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो लूप क्या हो जाएगा स्टॉप, स्टॉप हो जाएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये लूप स्टॉप हो गया। अब इसके बाद जो भी अगर कोड लिखे रहोगे तो वो प्रिंट होगा जो भी लिखना चाहो तो ठीक है। इस टाइप से ये लिस्ट जनरेट होगी, क्लियर है इस बार ठीक है। तो ये होता है लूप का फंडा, लूप के थ्रू आप बहुत सारे काम आसान कर सकते हो ठीक है। लॉजिक कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है, सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनते हैं, सॉफ्टवेयर जो बनते हैं लॉजिक्स पे ही बनते हैं ठीक है। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे ऊपर डिपेंड करता है और आपकी प्रैक्टिसेस पे, ये सब बेसिक प्रैक्टिस है, इनको आप करेंगे तभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं ठीक है। इससे आपका लॉजिक बिल्ड होता है कि कैसे आप सोच सकते हो, कैसे आप लॉजिक लगा सकते हो ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का तो क्लासेस में निकल गया, चलिए एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। 12th नंबर का प्रोग्राम है, ट्वेल्थ नंबर का प्रोग्राम जल्दी से देख लेते हैं। देखो इसका कोड मैं लिखूंगा नहीं, एक्सप्लेन करता हूँ। दो वेरिएबल हैं स्मॉल और स्मॉलर ठीक है, दो वेरिएबल हैं स्मॉल और स्मॉलर ठीक है, जिसमें मैंने क्या असाइन कर दिया जीरो ठीक है। ये जो प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लोवेस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट नंबर ठीक है फ्रॉम द 10 इनपुट नंबर। आपको कोई भी 10 इनपुट नंबर करने हैं उसमें आपको सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है और सेकेंड लोवेस्ट नंबर ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 5 नंबर इनपुट करके दिखाता हूँ, 1 5 6 3 2 ठीक है। अब इनके बीच में आपको फाइंड करना है कौन सा लोवेस्ट है और कौन सा सेकेंड लोवेस्ट है। तो सबसे लोवेस्ट कौन सा है 1 और सेकेंड लोवेस्ट कौन सा है 2 ठीक है। अब ये तो 5 नंबर हो गया, मैं चाहूँ तो इसमें 10 और 100 नंबर भी इनपुट कर सकता हूँ ठीक है। वो आपको कुछ नहीं, रेंज में आपको बढ़ाना पड़ेगा ठीक है। अब लॉजिक कहाँ से स्टार्ट होता है, लूप से। फॉर आई इन रेंज 10 ठीक है, कोलन यहाँ पे लगा हुआ है। इस लाइन का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूँ, फॉर आई इन रेंज, रेंज ये आपका अपर लिमिट क्या है 10, मतलब ये 0 से 9 तक का चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। अब देखो, अच्छा इन्होंने 10 दिया ना, 10 का मतलब क्या होता है कि 0 से 9 तक का चलेगा ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मुझे 5 नंबर के बीच ही फाइंड करना है ना, मैं चाहता हूँ कि 5 नंबर में इनपुट करूँ और उसी के बीच में फाइंड करूँ कौन सा लोवेस्ट नंबर है। तो ये लिस्ट कहाँ तक चलेगी, 4 तक का ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ठीक। मैंने 10 नंबर ना इनपुट करके 5 लिखा है, मतलब 5 इनपुट नंबर इनपुट करूँगा ठीक। अब n एक वेरिएबल है जिसमें मैं नंबर को इनपुट करूँगा ठीक। तो आप फर्स्ट नंबर इनपुट कर लो ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर इंडेंटेशन है लेफ्ट साइड से, तो मतलब ये जो ये वाला जो n इक्वल टू इनपुट वाला जो कोड है वो 5 टाइम्स रन होगा, मतलब आप 5 टाइम्स नंबर को इनपुट करोगे। तो धड़ाधड़ आप नंबर इनपुट कर दो, 1 5 2 6 3 ठीक, आपने नंबर इनपुट कर दिए ठीक। अब जैसे जैसे आप नंबर इनपुट करते जाओगे ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट नेम आई की वैल्यू क्या होगी 0 ठीक है, 0 इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है ठीक, कंडीशन ट्रू। आप क्या करोगे, पहला नंबर इनपुट करोगे, मान लो आपने इनपुट किया 1 ठीक, आपने 1 इनपुट किया तो क्या होगा, उसके नीचे देखो कंडीशन लिखी इफ आई इक्वल इक्वल 0। तो अभी आई की वैल्यू क्या है 0, तो जब 0 होगा तो क्या करेगा वो स्मॉल नाम के वेरिएबल में, स्मॉल नाम के वेरिएबल में n को असाइन कर देगा। n मतलब जो भी आपने नंबर इनपुट किया, क्या असाइन कर देगा 1 ठीक है, क्लियर है ठीक है। फिर उसके नीचे else if i equal equal 1, वो आगे
कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अभी तो आई की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। जीरो पोजीशन पे आपने क्या किया, एक नंबर को इनपुट लिया, सपोज आपने इनपुट लिया वन, तो एन में क्या आ गया, वन। फिर उसके नीचे देखो कोड लिखा हो, इफ आई इक्वल इक्वल जीरो, अगर जीरो होगा तो स्मॉल में क्या असाइन कर देगा, एन को, तो स्मॉल में भी क्या आ गया, वन, ठीक है। अब नीचे कंडीशन लिखी आई इक्वल इक्वल वन, एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, जीरो। फिर उसके बाद एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि वन नहीं हुआ तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब उसमें क्या चेक करेगा, हाँ उसमें देखो क्या चेक करेगा, इफ एन लेस देन स्मॉलर, अभी एन की वैल्यू क्या है, वन, ठीक है, तो क्या वन छोटा है जीरो से, स्मॉलर में तो आप क्या डाल के रखे हो, जीरो, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो वो ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अब फिर से लूप आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही प्रॉपर इंडेंटेशन में देखो लिखा हुआ है, प्रॉपर इंडेंट करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, वन, ठीक है, तो वन पोजीशन पे आप सपोज इनपुट करते हो फाइव, मान लो आप फाइव इनपुट करते हो, ठीक है, एन में क्या आपने इनपुट किया, फाइव, ठीक है, तो अब क्या होगा, आई इक्वल इक्वल वन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बुक में देखो आई इक्वल इक्वल वन वाला, तो उसमें चेक करेगा एन की लास्ट वैल्यू क्या थी, लास्ट, अच्छा नहीं, एन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है इस समय, फाइव है ना, और स्मॉल की लास्ट वैल्यू क्या है, ये देखो स्मॉल में मैंने क्या डाला था, वन, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या, फाइव छोटा है क्या वन से, नहीं, तो वो ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। स्मॉल में मैंने पहले वन डाल दिया था, ठीक है, और अभी एन की वैल्यू क्या है, करंट फाइव, तो फाइव छोटा है क्या वन से, नहीं, तो ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एन इज लेस देन स्मॉलर वाला, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टू, ठीक है, मैं एक और नंबर इनपुट करता हूँ, सपोज अब मैं सेकंड जब लूप चलेगा दोबारा तो मैं टू इनपुट करता हूँ, ठीक है, मैंने टू इनपुट किया, ठीक, अब स्मॉल में, स्मॉल में तो पहले से ही वही है, ये वाला नंबर है वन वाला, ठीक है। अब क्या होगा, चेक करेगा एन की वैल्यू मैंने क्या दी, टू, एन की वैल्यू मैंने क्या दी, टू, और नहीं मुझे ना इसको थोड़ा सा और टाइम देके समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पे जब i इक्वल टू वन होगा ना तो उस कंडीशन में चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ लूप के अंदर पूरी कंडीशन दी है, जो पूरे इफ वाले पार्ट है ना लूप के अंदर है, ठीक है, तो इसको आज ब्रेक करते हैं यहाँ पर, इसको फिर से एक बार फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, ठीक है, आई की वैल्यू मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।